मैं धाम से 5-4 दिन से आ रही हूँ। मैं टैगोर गार्डन रहती हूँ। अच्छा। और मीना बाजार में काम करती हूँ द्वारका में। तो जब से मैं धाम में आई हूँ तब से मुझे बहुत आराम है। पहले मैं अपने होश में नहीं रहती थी, जब से धाम में आई हूँ। बहुत 4-3 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, अब दोबारा से मुझे 3 साल बाद दोबारा प्रॉब्लम आई है। तो जब से मैं धाम में जुड़ी हूँ। इलाज कराने के बाद पहुँचे धाम में या सीधे पहुँचे? इलाज करा के आई थी, पर वहाँ पर आराम तो मिला लेकिन इतना आराम नहीं मिला जितना मुझे अब यहाँ आके आराम मिला है। अब मैं होश में रहने लग गई हूँ। पहले पेशी आती थी, वो पेशी ख़त्म हो गई है मेरी, और यहाँ पे बैठकर मैं सबको देख सकती हूँ। पहले बैठ के देख भी नहीं सकती थी किसी, अपने होश में नहीं रहती थी। और धाम में जिस दिन पहली बार मेरी हाजिरी लगी थी तो उसी दिन मेरे को घर वहाँ से अपनी ऑफर आई जाने की बाहर देहरादून। तो उसी दिन मैं देहरादून के लिए बाबा गुरु जी से आज्ञा ली, उन्होंने जाने के लिए मुझे आज्ञा दी। और बहुत अच्छा लगा, मेरी मैनेजमेंट की पोस्ट भी बढ़ गई, सब कुछ इस धाम से मुझे मिला है। ये तो अपने लिए मांगा, हम ये बात नहीं करते। आप पढ़े लिखे लोग हैं और व्यवहारिक भी हैं, क्योंकि आप मार्केटिंग में हैं और हजारों लोगों से आप मिलते हैं। आप ये बताइए कि शनि धाम में आपका अनुभव कैसा रहा और आप भारत की महिलाओं को क्या समझाएंगी शनि धाम में आके? यही समझाऊंगी कि बस इस धाम में आइए, सब अपना जो भी आपका आशीर्वाद बाबा जी से मिल सकता है, गुरु जी से, वो लीजिए। आपको बहुत आराम मिलेगा। आप खुद ही समझेंगे कि ना कि किस तरह से यहाँ पर रहने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे ठीक होंगी धीरे धीरे। बस अपना विश्वास बनाए रखिए, सबसे बड़ी बात यही है। यहाँ का जो काम है वो कैसे होता है? बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा से मंत्रों द्वारा जो प्रभावित हमारे हाथ से किया जाता है वो सबसे अच्छा लगा। मैडम, जब आप शनिधाम पहुँचे तो परम पूज्य मनु भैया जी के दर्शन करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मुझे जाने का बाहर मिला मौका, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए है। परम पूज्य मनु भैया जी को किस नज़र से देखते हैं? मैं गुरु की नज़र से देखती हूँ। मैं बालाजी को मानने वाली हूँ, बस उनके साथ ही इनको भी अपने पास रखा है अपना गुरु। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। मेरा फोन नहीं काम करना।